अन्य विषयों पर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन विषयों सहित स्वयं तुम्हारे पिता ब्रह्मा ने भी तुम्हें कामक दृष्टि से देखा। चिंता न करो, समय आने पर मैं स्वयं ब्रह्मा को उनके इस कुकृत्य का दंड दूंगा। फिर उसे उद्धार का मार्ग बताते हुए कहा, इस पर्वत के नीचे मेरा ऋषि एक महायज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां पहुंचकर अपने आप यज्ञ की अग्नि को समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम उनकी कन्या बनो। फिर जब तुम हिमालय पर संध्या मेघा ऋषि के आश्रम में पहुंची और यज्ञ से निकलने वाली लकड़ों में फूट पड़ी। अग्नि ने उसे जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया, जहां सूर्य ने उसे अपने रथ पर स्थान दिया, जिससे संध्या का ऊपरी भाग रात्रि बना और नीचे तथा बीच का भाग सुबह व शाम की लाली बना। फिर एक निश्चित समय पर मेघा ऋषि का यज्ञ पूर्ण हुआ। समाप्ति पर मेघा को हवन कुंड से कन्या मिली, कौन है किसकी पुत्री है ये, मन में एक जिज्ञासा जगी। भीष्म का प्रसाद समझ के अरुंधति का नाम रखा, पालतोष कर बड़ा दिया, उसका कन्या दान दिया। मेघा ऋषि उसका कोई उत्तर ना दे पाए। भगवान शंकर तो अपना कर्तव्य निभाकर चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी अपने इस अपमान को वर्षों तक नहीं भुला। प्रभु आशुतोष से इस बात का प्रतिशोध लेने की भावना का विषय उनके श्वासों में घूमता रहा। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक शिव जी को इस काम के वश करवा करके उनसे कोई स्त्री ग्रहण नहीं करवा लूंगा, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। तब अपने इस निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए ब्रह्मा जी कामदेव से मिले। Yeah.
Yeah.